गुड इवनिंग दोस्तों, हिमबस के पहले व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये व्लॉग धर्मशाला, मैक्लोडगंज और त्रिउंड ट्रैक के ऊपर है। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपको हमारे इस व्लॉग में यहाँ के बारे में लगभग पूरी जानकारी मिल जाएगी। धर्मशाला और मैक्लोडगंज के साथ साथ त्रिउंड की खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए हमारे व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी हम पहुँच रहे हैं धर्मशाला में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आंचल में बसा धर्मशाला कांगड़ा ज़िला का हेडक्वार्टर है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसने इस शहर को नई पहचान दी है। इंडियन प्रीमियर लीग के साथ साथ यहां कई वनडे और टेस्ट मैचेस भी खेले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दूसरा परिसर, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेड ऑफिस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भी धर्मशाला में हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं यहां धर्मशाला के स्थानीय बस स्टैंड पर। धर्मशाला आने के लिए दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, पठानकोट, शिमला और मनाली आदि से HRTC की सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन से आने के लिए ब्रॉडगेज रेल लाइन का सबसे नज़दीकी स्टेशन पठानकोट में है, जो कि धर्मशाला से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा वैली नैरो गेज टॉय ट्रेन का सबसे नज़दीकी स्टेशन कांगड़ा मंदिर है, जो कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो धर्मशाला में सबसे नज़दीक कांगड़ा एयरपोर्ट है, जो कि यहां से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। अब हम चलते हैं मैक्लोडगंज की तरफ। हमारा आज का नाइट स्टे वहीं पर होगा। मैक्लोडगंज वैसे तो धर्मशाला शहर का ही एक हिस्सा है, मगर यह धर्मशाला से ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता जो है वो 4 से 5 किलोमीटर्स का है, मगर वहाँ काफ़ी अधिक चढ़ाई है, इसीलिए हम मेन रोड से होकर ही जा रहे हैं, जो कि हमें लगभग 10 किलोमीटर पड़ जाएगा। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के लिए आपको लोकल बसेज, शेयरिंग टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। और ये है मैक्लोडगंज का बस स्टैंड। यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और हरिद्वार आदि के लिए बसेज मिल जाती हैं। भोलेनाथ, रामदलाल, बेदी ट्रेवल्स, इनकी वॉल्वो बसेज दिल्ली के लिए अवेलेबल हैं। ये मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर के पास कार पार्किंग है, जो अभी के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की हुई है और यहाँ रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा पानी हो रखा है। यहाँ मैक्लोडगंज में धौलाधार हॉलीडेज़ के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी है, जिनके थ्रू हमने अपना होटल और त्रिउंड कैंपिंग बुक करवाई है। हमारा होटल भागसुनाग में है और इसका नाम है वाइट वाटर इन, और हम अब सीधा होटल की तरफ ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज मेन चौक से ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है और धर्मकोट जो मेन मार्केट है वो यहाँ से मात्र 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। शाम हो चुकी है और देखिए बाहर का खूबसूरत नज़ारा। आज हम काफ़ी थक चुके हैं, इसीलिए डिनर करने के बाद सीधा सोने की तैयारी है और आपसे सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। पहाड़ों के बीच से उगता हुआ सूरज, जिसका इंतज़ार आजकल यहाँ सबको रहता है, क्योंकि ठंड काफ़ी है और पहाड़ों में धूप सेकने का मज़ा भी अलग ही होता है। ये नीचे भागसुनाग एरिया दिखाई दे रहा है और हम अभी निकल रहे हैं मैक्लोडगंज के भ्रमण पर। भागसुनाग में सैंडिस किचन में आज का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर पर। त्रिउंड के लिए हम कल सुबह ही निकलेंगे, आज का दिन मैक्लोडगंज की सैर के लिए है। सबसे पहले हम धौलाधार हॉलीडेज़ के ऑफिस जाएंगे, ताकि हम कल के त्रिउंड ट्रैक का शेड्यूल जान लें। मैक्लोडगंज में टेम्पल रोड पर उनका ऑफिस है और हम सीधा उधर ही जा रहे हैं। और ये मैक्लोडगंज के मोटे मोटे कुत्ते धूप का आनंद लेते हुए। ओ, मैक्लोडगंज में मेन स्क्वायर से टेंपल रोड पर जा रहे हैं।
और ये रहा धौलाधार हॉलीडेज का ऑफिस, आइए अंदर चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये कुछ एक्टिविटीज की लिस्ट है जो ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज और हमारे साथ हैं धौलाधार हॉलीडेज से मिस्टर कुमार अंतरिक्ष। अब इनसे पूछते हैं कि क्या है आपके धौलाधार हॉलीडेज में, आप क्या क्या करवाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्कार, मेरा नाम अंतरिक्ष है, मैं धौलाधार हॉलीडेज से मैं काम करता हूँ और हमने इनको ट्रैकिंग जो पैकेज है वो इनको प्रोवाइड किया है। हम ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, हम पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम टेंट वगैरह रेंट पे भी आपको दे सकते हैं, बाइक रेंट पे दे सकते हैं, बस बुक करा सकते हैं, सब यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, होटल बुकिंग आपको मिल जाएगी, कार आपको। अरे कहाँ कहाँ, मतलब त्रिउंड में तो हमने आपका कैंपिंग करी हुई है, इसके अलावा कोई और लोकल साइट? यहाँ पे त्रिउंड है सर, हमारी जो अपनी कैंप साइट जो है हमारी त्रिउंड में है और करेरी लेक में है। करेरी लेक पे हमारी खुद की वो है कैंप साइट है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी त्रिउंड जाके आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। थैंक यू। मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए रोपवे प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रोपवे के बन जाने से धर्मशाला से यहां तक कुछ ही मिनट्स में पहुंचा जा सकेगा। वहीं मैक्लोडगंज में लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। जून 2021 तक इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ का फेमस दलाई लामा टेम्पल कोविड की वजह से बंद है, इसीलिए लंच करने के बाद हम सेंट जॉन चर्च की तरफ चलते हैं। मैक्लोडगंज के पास स्थित सेंट जॉन इन विल्डरनेस चर्च भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चर्च 1852 में बनाया गया था। बॉलीवुड फिल्म मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई है, की शूटिंग भी इस चर्च के साथ साथ कांगड़ा एयरपोर्ट पर की गई थी, जिसमें मणिपुर के कई दृश्यों को यहां रिक्रिएट किया गया था। चर्च के अलावा मैक्लोडगंज के आसपास डल लेक और नड्डी खूबसूरत प्लेसेस हैं। यहां से डल लेक और नड्डी 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। नड्डी यहां का सनसेट पॉइंट है और यहां से आप धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काफी करीब से निहार सकते हैं। अब हम वापस होटल में आ गए हैं और आज भी डिनर करने के बाद हमारा जल्दी सोने का प्लान है, क्योंकि कल का दिन शायद काफ़ी लंबा और थकान भरा हो सकता है। बाहर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है और शायद यहां स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं। गुड मॉर्निंग, आज हमारा मैक्लोडगंज में तीसरा दिन है और रात में यहाँ काफ़ी बारिश और स्नोफॉल हुआ है। आप देखिए यहाँ की कुछ वीडियोस। दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं त्रिउंड ट्रैक पर। हालांकि अब मौसम काफ़ी साफ हो चुका है और धौलाधार हॉलीडेज से मिस्टर सनी हमारे साथ त्रिउंड ट्रैक पर जा रहे हैं। मैक्लोडगंज से त्रिउंड जाने का मेन रास्ता धर्मकोट गलू टेंपल से होकर जाता है, बट हम भागसुनाग वाटरफॉल के रास्ते से होकर जाएंगे। मैक्लोडगंज से भागसुनाग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यहाँ टैक्सी से आए हैं, क्योंकि हम पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि सनसेट तक हम त्रिउंड हाइट पर पहुँच जाएँ। ये भागसुनाग की मार्केट है और हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। भागसुनाग में एक पुराना मंदिर है और पास में ये एक स्विमिंग पूल है। अभी कोरोना की वजह से ये पूल खाली है, मगर नॉर्मल डेज में, स्पेशली गर्मियों में, लोग यहाँ ठंडे नेचुरल वाटर में नहाने के मज़े लेते हैं। वाटरफॉल तक का रास्ता तो ठीक है, लेकिन उसके आगे काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी।
हमारे साथ चल रहे सनी भाई तो काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सांस अभी से फूलनी शुरू हो गई है। अभी सांस फूल गई है, बोला भी नहीं जा रहा, मगर हमें यहाँ से होते हुए वो ऊपर जाना है। ये जो दिख रहा है इसके पीछे एक और पहाड़ी होगी, वहाँ तक भागसुनाग वाटरफॉल तक आने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया, और यहाँ ठंड के बावजूद भी कुछ लोग नहा रहे हैं। भागसुनाग वाटरफॉल से अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से अब चलते हैं त्रिवेण की तरफ, क्योंकि हमें वैसे ही 1 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ये त्रिवेण के रास्ते में एक पीस कैफ़े है, और भाई साहब बैठे हैं वहाँ पर। तेज हवा चल रही है, ऊपर का बादल छा रहे हैं धीरे धीरे। भागसुनाग वाटरफॉल के पास एक फेमस शिवा कैफ़े है, हम उसी के पास से होके निकले हैं, मगर टाइम कम होने की वजह से हम वहाँ जा नहीं पाए। आपको हम दूर से ही शिवा कैफ़े दिखा देते हैं। इसके अलावा और कई शॉप्स आपको रास्ते में मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और रास्ते में कुछ शॉप्स मिल जाएंगी आपको जहां खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके रेट भी बढ़ते जाते हैं। और फिर यहां से दिख रहा है हमें मैक्लोडगंज भागसुनाग। अगर आप देख पाएँ तो ये नीचे धर्मशाला भी दिखाई दे रहा है, पर बादल छाए हुए हैं इस वजह से थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। धूप खिलने के कारण मौसम अब अच्छा हो गया है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में अक्सर दोपहर के बाद बादल उमड़ आते हैं, और यहाँ पर भी अब वैसा ही हो रहा है। और भी काफी लोग हमारे साथ यहाँ चल रहे हैं। इस वक्त जो लोग ऊपर जा रहे हैं वो तो मैक्सिमम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं वहाँ पर, लेकिन जो डे हाइक पर लोग गए थे सुबह वो अब वापस आ रहे हैं। शाम के 3 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ बादलों के बीच तो ऐसा लग रहा है मानो रात होने को है। मेरे हिकड़ू गड़बड़ हुई बलो चंबे घटिया चढ़ दी जो और ये बादल आ रहे हैं, थोड़ा सा खुला है मौसम, काफी तेजी से बादल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक माना कैंप है यहाँ पे, वहाँ पहुँच गए हम। ये हमारे मनी भाई हैं, मनी भाई को पंजाबी में डायलॉग हो जाए, पंजाबी जी यार मेरी मुछ कटाती नहीं तो मैं रोड़ा दे। हाँ, ये सबको गाइड कर रहे हैं, और ये हम पहुँच गए हैं माना कैंप। वाव, अच्छा व्यू है यहाँ से, वो नीचे तो अब थोड़ा थोड़ा मौसम खुल रहा है। रब ने सारा काम बनना आता है आगे एक्साइटेड मैं अड्डा हनीमून पैकेज बुक कराता है। हाँ सही है। धौलाधार हॉलीडेज से हमारे साथ सनी भाई हैं, उन्होंने हमें बताया कि त्रिवेण हाइट पर यानी जो प्रॉपर त्रिवेण है वहाँ अभी कैंपिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा इधर उधर ही कैंपिंग साइट्स मिलेंगी। इन कैंप्स में नॉर्मली 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से नाइट स्टे का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपको टेंटेड अकोमोडेशन
और सोने के लिए स्लीपिंग बैग मिलेगा। मौसम सही हो तो आप बॉनफायर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आपको अकोमोडेशन विद फूड चाहिए तो 1200 रुपये तक का पैकेज होता है, जिसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा। अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हैं तो उसका पैकेज 1800 रुपये तक का जाएगा। आपको ट्रैक के दौरान गाइड की ज़रूरत है तो वो 600 रुपये अलग से चार्ज करेगा। इसके अलावा धौलाधार हॉलीडेज़ की तरफ से टॉयलेट टेंट की फैसिलिटी भी है, जिसका चार्ज अलग से होता है। ये माना कैंप है और यहाँ से हम चल पड़े हैं त्रियुंड की ओर। एक्चुअली जब रुकते हैं तब ठंड लगती है, चलते वक्त तो भले ही बर्फ पड़ी हो पसीना आ जाता है। आपको भागसुनाग से त्रियुंड के रास्ते में भी एक दो जगह कैंप साइट्स मिल जाएंगी, लेकिन हम त्रियुंड के सबसे पास वाले कैंप में जाके रुकेंगे। और यहाँ सबसे कीमती चीज़ जो है वो है पानी। अगर आप इस ट्रैक पर आ रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी कर लें। रास्ते में नेचुरल वाटर के सोर्सेज काफ़ी कम हैं और शॉप्स पर मिलने वाले पानी के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये यहाँ पे धूप आ गई है थोड़ी देर के लिए, वो रहा सूरज। ओवरऑल अच्छा मौसम है, अगर सिर्फ धूप होती तो शायद ज़्यादा परेशानी होती, लेकिन ये बादल बीच बीच में आ रहे हैं तो सही लग रहा है। हम अब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ये व्यूज़ और सुंदर होते जा रहे हैं। और ये बीच बीच में अटखेलियाँ करते हुए बादल, वहीं दूसरी तरफ बर्फ़ में लिपटी धौलाधार की पहाड़ियाँ। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। हम ऑलमोस्ट अपनी कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं और इस जगह का नाम है कथारनी। यहाँ से त्रियुंड मेन हाइट जो है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ हम कल ही जा पाएंगे। और यहाँ से दिखाई दे रही है धौलाधार की बर्फ में लिपटी हुई पहाड़ियाँ, बादलों में घिरी हुई। और हम ये फाइनली कथारनी की ऑलमोस्ट लास्ट चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ का देखते हैं कैसा व्यू दिखता है, एक झंडा है यहाँ पे। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस, यहाँ पर खाने पीने की सारी फैसिलिटीज हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ आसपास के व्यूज, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और अगर एक बार अंधेरा हो गया फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए सनसेट हो चुका है, बादलों की वजह से एक्चुअली सनसेट उतना सही दिखाई नहीं दे पाया, मगर यहाँ से जो अब दिखाई देने वाला व्यू है वो भी काफ़ी सुंदर है। हम अब कह सकते हैं कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ठंड काफ़ी है और अब हम आग जलाकर बैठने वाले हैं। यहाँ कल रात काफ़ी स्नोफॉल हुआ था जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और सनी भाई ने हमारे लिए इस गेस्ट हाउस के अंदर ही टेंट लगवा दिया है। मतलब ये जो गेस्ट हाउस यहाँ पर बना हुआ है इसके अंदर ही टेंट लगा दिया है। बाहर मौसम वैसे साफ़ हो चुका है, आसमान में जो सितारे चमक रहे हैं वो काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं और लगभग पूरी कांगड़ा घाटी यहाँ से जगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जितने तारे आसमान पर उतने ही तारे ज़मीन पर भी। शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रियुंड।
यहाँ की सुबह का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। चांदी सी चमक रही धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ होता हुआ सनराइज़। यहाँ सुबह जल्दी आँख खुल जाती है वैसे तो, और अगर आपको सनराइज़ देखना है तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में हमने दही पराठा खाया और अब हम त्रिउंड मेन हाइट की ओर जा रहे हैं। अब वापस जाते हुए हम गलू टेंपल से होते हुए जाएंगे, मतलब जो त्रिउंड आने का मेन रास्ता है हम उधर से वापस जाएंगे। त्रिउंड से एक तरफ धौलाधार और दूसरी तरफ कांगड़ा घाटी और पोंग डैम लेक भी दिखाई दे रही है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला भी यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक और कैंपिंग साइट है। अभी यहाँ से गेस्ट जो रात को रुके होंगे वो चले गए हैं और यहाँ पे हमें एक दिख रहा है स्नोमैन। ठंड की वजह से हम टेंट में नहीं सो पाए थे, लेकिन टेंट से सुबह गुड मॉर्निंग बोलने का जो हमारा सपना था वो हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। ये कोई और कैंप साइट का टेंट है। एक्चुअली बात सिर्फ रात को सिर्फ बात ठंड की नहीं थी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि आप अंदर भी सो सकते हैं, तो हमने वो ज़्यादा बेहतर समझा और हम अंदर सो गए थे। ये त्रिउंड में एक गेस्ट हाउस है, काफ़ी सही लोकेशन पे आई है। ये ऑलमोस्ट हम त्रिउंड टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्नो है। अभी सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ी स्नो ये हार्ड है, इसीलिए चलने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही। हमारे कैंप यानी जहाँ हमने नाइट स्टे किया था और त्रिउंड मेन हाइट तक पहुँचने में हमें लगभग एक घंटा लग गया है और यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह बर्फ़ हार्ड होती है ठंड की वजह से, इसीलिए चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। हम यहाँ त्रिउंड मेन हाइट पर पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है और इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। रात में यहाँ की कैंप साइट्स पर जितने लोग रुके थे वो मैक्सिमम वापस जा चुके हैं और जो मैक्लोडगंज से सुबह त्रिउंड के लिए निकले होंगे वो अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। अब हम मेन ट्रैक से वापस जा रहे हैं। इस रास्ते में काफ़ी स्नो है और रास्ता स्लिपरी भी है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। ट्रैक के इस थोड़े से स्ट्रेच पर धूप काफ़ी कम आती है, इसीलिए यहाँ अभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये वाला रास्ता भागचूनाग वाले रास्ते से थोड़ा ज़्यादा लंबा है, पर यहाँ चढ़ाई कम है और ट्रैक भी अच्छा बना हुआ है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे बर्फ़ कम होती जा रही है।
धौलाधार के साथ इन बादलों का गहरा रिश्ता है। ये बादल इन पहाड़ों का पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब हम त्रिउंड से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। यहाँ तक आने में हमें लगभग एक घंटा लग गया और यहाँ पर एक शॉप है और हम यहाँ पर मैगी खाने के लिए रुके हुए हैं। फाइनली हम गलू टेंपल पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। अगर आप गलू देवी टेंपल से होकर त्रिउंड जा रहे हैं तो आपको वहाँ पुलिस पोस्ट पर एंट्री करवानी पड़ती है। अगर आप सिर्फ डे हाइक के लिए जा रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर के बाद आपको तभी जाने दिया जाएगा अगर आपकी त्रिउंड में कन्फर्म कैंप बुकिंग है, अदरवाइज आपको वहां से वापस भेज दिया जाता है। मैक्लोडगंज से गलू टेंपल तक रोड कनेक्टिविटी है, ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वहाँ तक गाड़ी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन उस रास्ते की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसीलिए वहाँ ड्राइव करने की बजाय हमारा सजेशन तो यही रहेगा कि या तो आप पैदल आ जाएं या फिर कोई लोकल टैक्सी बुक कर लें। अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मकोट और यहाँ के मूनलाइट कैफ़े में हम ब्रंच कर रहे हैं और थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं। इसके बाद हम धर्मशाला के लिए निकलेंगे। वहाँ के 2 दिन के स्टे को हम इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप धौलाधार हॉलीडे से अपना मैक्लोडगंज और त्रिउंड के अलावा करेरी लेक ट्रैक भी बुक करवा सकते हैं। दिल्ली से आने के लिए आप वोल्वो बसेस की दिल्ली से धर्मशाला, मैक्लोडगंज और बीड़ आदि की बुकिंग भी धौलाधार हॉलीडेज़ के माध्यम से करवा सकते हैं। धौलाधार हॉलीडेज़ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और व्लॉग्स भी आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।